देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। अरब के कई देशों ने इस टिप्पणी पर पैगंबर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के बयान की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में OIC के सचिवालय के बयानों पर दो टूक कहा है कि उसका एजेंडा विभाजनकारी है। इस विवाद में कतर, कुवैत और ईरान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कद रखता है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर की लेकर बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। अरब के कई देशों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट की है और भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि भाजपा ने सभी धर्मों के सम्मान की बात कहते हुए शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। OIC के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदमन बागची ने कहा है कि हमने इस संगठन द्वारा भारत को लेकर दिए गए बयान देखे हैं। सरकार OIC सचिवालय के गलत और संकीर्ण बयानों को खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों का सर्वोच्च सम्मान देती है। कुछ लोगों ने एक धार्मिक व्यक्तित्व को अपमानित करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट और बयान दिए थे। ये विवादित बयान भारत सरकार की राय से संबंधित का नहीं है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित संगठन ने कड़ी कार्रवाई की है। बागची ने कहा है कि OIC सचिवालय ने एक बार फिर प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारती टिप्पणी की है। यह दुखद है। यह केवल स्वार्थों के इशारे पर चलाया जा रहा है, विभाजनकारी एजेंडा है। हम OIC सचिवालय को अपना सांप्रदायिक नजरिया छोड़ने और सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील करते हैं। आपत्ति प्रकट की है और भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराज नुपुर शर्मा बयान मामले को लेकर पाकिस्तान ने सोमवार को इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। प्रभारी ने कहा गया है कि पाकिस्तान विवादित बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा, वह इसकी कड़ी निंदा करता है। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिमों की भावना आहत हुई है। इससे पहले पाक PM शहबाज शरीफ ने रविवार को नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की और उसे नफरतपूर्ण बताया है। कतर, कुवैत और ईरान ने नुपुर शर्मा के बयान पर पहले ही आधिकारिक रूप से आपत्ति प्रकट की थी, लेकिन सोमवार को इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया। उसने आधिकारिक बयान जारी कर आपत्ति प्रकट की। हालांकि सऊदी अरब ने नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई का स्वागत किया है। OIC सचिवालय ने अपने बयान में भारतीयों से दबाव का डटकर मुकाबला करने और भारत में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनके अधिकारों, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान, गरिमा और धर्म स्थलों की रक्षा करने का आह्वान किया है। OIC ने ट्विटर पर कई ट्वीट कर नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि OIC के महासचिव ने भारत के सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना की है। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। OIC ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन, मुस्लिमों के संपत्तियों को नुकसान पहुँचाए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि मुस्लिमों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, हम इसका निषेध करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।